वेव के चलते जो है जिलों में केसेस बढ़ रही है। कल कुलगाम की बात करें तो 400 के करीब केसेस आई थी, उसमें 100 के करीब जो है काजीकुंड तहसील से है, बाकी रेवेन्यू जिले से है। इसमें जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पेशेंट की है वो बढ़ रही है, जो फर्स्ट फेज में नहीं थी। फर्स्ट फेज भी इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं थी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 60 बेड जो है अभी ऑक्सीजन सपोर्टेड है। 60 बेड और हम यहाँ करने जा रहे हैं, जो अभी फैसिलिटी मेरे पीछे है उसमें करने जा रहे हैं। चक्के वांगुर जो PSC है उसमें भी तकरीबन 30 बेड के करीब बेड जो है वहाँ ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेंगे। और काजीकुंड ट्रामा हॉस्पिटल में जो है उतने ही बेड जो है प्रेग्नेंट वुमेंस जो कोविड पॉजिटिव रहेंगी उनके लिए रहेंगे। मेरे ख्याल से ये चार फैसिलिटी ऑक्सीजन सपोर्टेड। उसके अलावा डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है और बहुत सारे स्कूल्स और इदारे हैं जहां कोविड केयर फैसिलिटी दी जा सकती है। आज के हालात से देखा जाए तो इवन केसेस बढ़ भी जाती है तो भी हमारे पास सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके ज़रिए से मैं कुलगाम के सभी लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि पैनिक मत हो जाइए। पैनिक से पेन जो है दूर नहीं होता है, पेन दूर होता है सही चीज़ों को समझने से, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स लेने से। तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है आपको पता है पिछले साल से अलग अलग मीडिया पर, टीवी पर, रेडियो पर आ रहे हैं तीन चीज़ें। एक तो घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनना है, हाथ की सफाई रखनी है, सैनिटाइज़र या पानी का यूज करना है, और तीसरा भीड़भाड़ के एरिया से दूर रहना है। जहाँ तक घर में करने वाले जो इलाज है, आपका जो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बरकरार रखने के लिए, इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे डॉक्टर्स दूरदर्शन पर, रेडियो पर बताते हैं घर में ही होममेड रेसिपी से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके और आपका मेंटल स्वास्थ्य जो है कैसे बरकरार रखी जा सके। फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी ज़रूरी है जिससे कि हमारी हेल्थ ठीक रख सके और हम जो है बीमारी से लड़ सकें। थैंक यू सर।